जो खाप हो गया सोचा नहीं था। देखते पाच्छेन आमार बाड़ीते अनेक मेहमान। ये आपनि चाइछिलेन कि मिलनदा आगे थेके सिंगार होक? हां स्वप्न आपनार स्वप्न। उनके गांव में आ चुका हूँ अध्ययन, इसके बाद देखते ही मिलन कुमार जी जो छोटा से गए, पहले जब पूरी फुल घर से जब फुल कॉन्फिडेंस आया था, लेकिन रास्ते से ट्रेवल करते करते हालात इतना खराब हो गया कि उस चीज से जो है बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो एक मस्जिद दिखेगा, मस्जिद के पास जो है आपको घर देखने को मिलेगा, तो वो घर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेलकम बैक टू अवर चैनल, दिस इज बॉय संजू एंड वाचिंग संजू के ब्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं जो हूँ अभी कुमार के घर में। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, आप अगर आएंगे तो यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद के पास ये सामने वाला बगल वाला ठीक बगल वाला घर आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं जो है इनका पूरा घर अच्छे से एकदम एक्सप्लोर कराऊंगा, ठीक है, ऊपर से नामों से सब एकदम अच्छे से दिखाता हूँ आप लोगों को। सभी को मैं दिखाता हूँ जो मिलन दा के मतलब मम्मी और उनके पापा को, ठीक है, तो दिखाता हूँ। तो चलिए, এটা মিলনদার মা, কাকিমা কিরকম আছেন? তখন মিলনদা উন্নতি করছে, আপনাদের কিরকম লাগছে? খুব ভালো লাগছে, ছেলে বড় হলে মায়ের খুবই খুশি খুশি লাগছে। হ্যাঁ, তো আমরাও জানছি আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন, তো আশা করি আপনারা এখন আর কষ্ট করতে হবে না। মিলনজা যা পজিশনে আছেন, এখন ট্রেন্ডিংয়ে চলছেন। কাকু কীরকম আছেন, ভালো আছেন? একটা নাম করি, তো আপনি কি বলতে গেলেন কি আপনি চাইছিলেন কি মিলনদা আগে থেকে সিঙ্গার হোক? হ্যাঁ স্বপ্ন, আপনার স্বপ্ন, তো আপনার স্বপ্ন আর বেশি দিন নেই, দাদা সিঙ্গার হবেই, ঠিক আছে, আমরা চেষ্টা করবো। থালাবাটি বাজিয়ে গান শিখেছেন, কি বললেন? থালাবাটি বাজিয়ে গান শিখেছেন, থালাবাটি বাজিয়ে গান শিখেছেন। তো গাইস আপ সব দেখ সকতে হ্যায় ও বোল রহে কি মতলব ও জো থালি ওগেরা হোতা বাটি তো ও বজা কর গানা শিখে, তো কাফি মতলব হার্ড ওয়ার্ক কর রহে, ঠিক আছে। তো আপ সব ভি পুরা সাপোর্ট করিয়ে গাইস, আপ সব জিসে বাদাম অঙ্কল কো সাপোর্ট কিয়া থা গাইস, তো প্লিজ মে আপ সবসে রিকোয়েস্ট করুগা আপ সব পুরা সাপোর্ট করনা। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার বাড়িতে অনেক মেহমান, অনেক অতিথি এসছেন, আর আমি এতে খুব খুশি। এমনিতেই সারা জীবন এই মানুষ নিয়ে চলি, মানুষ নিয়ে চলতে ভালোবাসি, এটা আপনারা সবাই সকলেই জানেন। হ্যাঁ, এটা আমার সবচেয়ে বড় লাইফস্টাইল যে মানুষকে ভালোবাসবো, মানুষের এটা খুব শখ আমার। তো এই দাদা ভাইরা এসছেন কোড়ালঝুড়ি বীরভূমের একটা গ্রাম থেকে, যেখানে যেখানে ভুবন কাপুর বাড়ি। হ্যাঁ, তো এনারা এসছেন আমার আমার ভাইরা সব, এনারা এসছেন বর্ধমান থেকে এসছেন, হ্যাঁ ছোট নীলপুর থেকে এসছেন, যার আমি খুব আমি খুশি যে মানুষ এত আমার বাড়িতে ভালোবাসা দিতে আসছেন। হ্যাঁ, আর আমি এই জন্যে আমি খুব খুশি, যাক ভালো থাকুন সকলেই সুস্থ থাকুন, নাকি এটাই ভুগেন জিনিস। মানুষ মানুষের ভালোটায় মানুষের ভালো চাওয়া মনে করি, যেটা মনে করি এটাই ভালো, যে আপনি ভালো থাকুন তাহলে আমিও ভালো থাকবো। খাবো খায়ালো মে सोचा नहीं था। बहुत हो चुका है यहाँ पे, मतलब दो घंटा जो है बीत गया यहाँ पे, तो अब जाएंगे घर। तो आता मिले दा, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दादा। कोई भी अगर अगर वायरल व्यक्ति होता तो बिल्कुल नहीं आता यार, नहीं। तो खाने के लिए जिद करे, मैंने बोला कि चलो खा के आया था ऑलरेडी, ठीक है, तो फिर आऊंगा दोबारा खा कर जाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं बिलन भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो गाइस, बहुत मिल के अच्छा लगा, बोल रहे थे कि खाना वाला खा के जाओगे, लेकिन बहुत मतलब देर हो जाएगी, 100 किलोमीटर फिर जो है हम लोगों को ट्रेवल करना होगा घर के ओर। तो हम लोग आए थे पहले बस में आए, फिर मतलब
ट्रेन में, फिर बस में, फिर ट्रेन में, ऐसे पैदल फेरी, ऐसे करते 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 पूरा दिमाग जो है एकदम से खराब हो चुका है। सो अभी घर जाएंगे, जिसके बाद आराम करेंगे ना। बच्चा लोग आपने देख लिया होगा ट्रेन स्टेशन, तो यहाँ से हम लोग जाने वाले घर के ओर, तो चलिए हमारे साथ। हाय रेड, निकलने का ईद में रुकने का रास्ता मेरे पास है, निकलने का रास्ता गेट पे है। कहो 30 रुपया कहो कहो कुछ कहो।